हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, तो चलिए देखते हैं और उन्हें समझते हैं। तो बच्चों, जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। तीन ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वह प्रातः 6:10 पर चमकती हैं, इसके पश्चात वे एक साथ कब चमकेंगी? तो बच्चों, इस प्रश्न में तीन बत्तियों के समय दिए गए हैं कि वो कितने समय के अंतराल के बाद एक साथ जलती हैं। तो पहली बत्ती जो है 10 मिनट के पश्चात, दूसरी जो है 15 मिनट के पश्चात और तीसरी 20 मिनट के पश्चात जलती हैं। तो अगर वे 6:10 पर एक साथ जली हों तो फिर अगली बार कितने बजे एक साथ जलेंगी, जिसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, इन समय का लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं, क्योंकि जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो तीनों समयों से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आइए इनका लसा निकालते हैं। तो 10, 15 और 20 का जो लसा होगा वो 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 20, फिर से आप 2 से डिवाइड करें, 2 × 5 = 10, अब 3 से कर लें और लास्ट में 5 से होगा। इस तरह से लसा जो मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5, इनका गुणा कर लें, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30 और 30 × 2 = 60। तो लसा क्या आ गया, 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। यानी कि वे बत्तियां 6:10 पर एक साथ चमकी हों तो फिर वो 1 घंटे के बाद यानी कि 7:10 पर एक साथ चमकेंगी। तो इस प्रकार से जो आपका सही विकल्प हुआ वो हो गया विकल्प नंबर सी। बच्चों, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। 3 घन मीटर तेल से 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, जिसके ऑप्शंस दिए गए हैं 80, 800, 8000 और 1000। जो पात्र दिया गया है उसकी धारिता क्या है, 3 घन मीटर, और बच्चों 1 घन मीटर में 1 घन मीटर जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से 3 घन मीटर जो हुआ वो 1000 × 3 यानी कि 3000 लीटर के बराबर हो गया। और जो हमारा पात्र है जिससे हमें बर्तन से नापना है कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, बोतल की जो धारिता है वो 375 मिलीलीटर है, 375 मिलीलीटर। तो हम इस लीटर को भी मिलीलीटर में बदल लेते हैं और हम जानते हैं कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो अब इस 3000 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, तो 3000 में आप क्या करेंगे, 1000 से और गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 के आगे 6 जीरो हो जाएंगे अब, तो ये जो हो जाएगा ये मिलीलीटर में बदल जाएगा। अब इतने मिलीलीटर में जो 375 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, तो जो बोतलों की संख्या होगी, बोतलों की संख्या ये हो जाएगी, ये जो संख्या आपको मिली थी 3 के आगे 6 जीरो, इसमें आप 375 से भाग दे देंगे, तो काटने पर ये कटेगा, 5 × 7 = 35, 2 × 5 = 25, 5 × 6 = 30 और 2 × 2 = 5, 0। इसके बाद फिर से आप काटिए, तो आप काटेंगे तो 25 से कटेगा 3 बार में, और ये 25 से कटेगा, 25 × 50, 10 × 25 = 100 और 3 जीरो आगे हो गए। फिर 3 × 8 = 24 यानी 8 और 7 में 3 जीरो और हो जाएंगे, 8000 बोतलें भरी जा सकती हैं। तो ये जो इसका सही उत्तर हुआ वो हो गया 8000 बोतलें, और 8000 बोतलें आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन सी सही हुआ। बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। 12/13 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ और उसकी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या होगी, तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इस प्रश्न में हमें यह जानना होगा योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। पहले भी पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ दोहरा देते हैं,
कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जो दी गई संख्या में जोड़ने पर योगफल हमें शून्य प्राप्त होता है। जैसे यदि हमारे पास कोई संख्या 5 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगी जिसको इसमें जोड़ दिया जाए तो योगफल शून्य प्राप्त हो जाए। तो 5 में क्या जोड़ेंगे तो -5, यानी -5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 होगा और 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा। इसी तरीके से 12/13 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -12/13, यानी 12/13 में क्या जोड़ें कि योगफल शून्य प्राप्त हो, तो हमें -12/13 जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद इसकी पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, -12/13 में 1 घटा देंगे, ये हो जाएगा 13 -12 -13, यानी -25/13। और उत्तरवर्ती जो होगा -12/13 का, उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, यानी कि 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ एलसीएम 13 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा -12 + 13, यानी कि 1/13। तो इस तरीके से योगात्मक प्रतिलोम हुआ -12/13, पूर्ववर्ती संख्या हो गई -25/13 और उत्तरवर्ती संख्या हो गई 1/13। इस प्रकार जो है आपका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। 4 ऑप्शंस हैं, 2/11, 2/13, 4/21 और 4/23। आइए बच्चों इसे समझते हैं, 5/14 में से क्या घटाएं कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। तो यह अगर हम इस तरह सोचें कि 5/14 में से कुछ घटाया जा रहा है और घटाने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 7/42, तो क्या घटाया जा रहा है यह हमें पता करना है। तो यह पता करने के लिए जो x की वैल्यू होगी वो 5/14 - 7/42 के बराबर होगी, और यहाँ क्या करना होगा हमें, 14 और 42 का एलसीएम लेना होगा और ये हो जाएगा 42, और 14 * 3 = 42, यानी कि 3 का गुणा 5 में होगा, 3 * 5 = 15, और 42 में 42 से भाग देने पर 1 आएगा, और 7 * 1 = 7 हो गया, व 15 में से 7 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 8/42। और इसे और सरल कर लें तो ये जो है 2 से कटेगा, 2 * 4 = 8 और 21 * 42, तो 4/21, 4/21 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो विकल्प सी यानी कि 4/21 हुआ। तो बच्चों यहाँ अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ऑप्शंस हैं 2, 3, 6 और 24। तो किस संख्या से गुणा करेंगे कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, आइए इसे समझते हैं। तो बच्चों 294 में किस संख्या से गुणा करें कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें 294 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने होंगे। तो आइए इसे देखते हैं, पहले हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 * 1 = 2, 2 * 4 = 8, 2 * 7 = 14। अब यह संख्या जो है 3 से विभाजित होगी, 3 * 6 = 12, 2 * 3 = 27, और पुनः 7 से विभाजित हो रही है, 7 * 7 = 49 और 7 * 1 = 12। तो यहाँ आप देख रहे हैं जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ आप 7 के देख रहे हैं एक जोड़ा पूर्ण हो रहा है, 2 और 3 का कोई जोड़ा पूर्ण नहीं हो रहा है, तो किस संख्या से गुणा करना होगा कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अभीष्ट संख्या जो हमें प्राप्त होगी, अभीष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 2 का जोड़ा कंप्लीट करने के लिए 1 और 2 चाहिए, और 3 का जोड़ा कंप्लीट करने के लिए 1 और 3 चाहिए। तो हमें क्या संख्या चाहिए, 3 * 2 यानी कि 6। तो अगर हम 6 से गुणा कर दें तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों इस प्रश्न का जो विकल्प सी है वो बिल्कुल सही हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, 18 और 72 का मध्य समानुपाती राशि है, तो मध्य समानुपाती राशि निकालनी है। ऑप्शंस दिए गए हैं 36, 108, 30 और 54।
तो आइए बच्चों इसे समझते हैं। बच्चों इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समानुपात पर चलते हैं कि जब हमें चार राशियां दी होती हैं और पूछा जाता है कि वे चार राशियां कब समानुपात में होंगी, तो हम बताते हैं कि जब भी चार राशियां समानुपात में होती हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर एक्स वाई जेड और एम ये चार राशियां हैं और ये समान अनुपात में हैं, तो बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होगा, यानी एक्स गुणे एम बराबर वाई गुणे जेड के होना चाहिए। बच्चों 18 और 72 के मध्य समानुपाती हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लेते हैं कि 18 और 72 की मध्य समानुपाती क्या है? एक्स है। यानी 18 समानुपाते एक्स अनुपाते 72। तो इस तरीके से दोनों राशियों के बीच में दो एक्स लगा दिए गए हैं, तो अब ये चारों राशियां क्या हो गई? समानुपात में हो गई। यानी कि 18 गुणे 72 बराबर एक्स गुणे एक्स होना चाहिए। अब 18 को यदि आप तोड़ते हैं तो ये क्या बनता है? तो ये बन जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तीन 9 दुना 18। अब 72 को हम तोड़ दें तो ये हो जाएगा 2 दुना 4 दुना 8, 8 तीन 24 और 24 तीन 72, 3 तीन 9, 9 दुना 18 दुना 36 दुना 72। ये बराबर हो जाएगा एक्स गुणे एक्स के, यानी कि ये हो गया एक्स का वर्ग। तो यहाँ भी हमें वर्ग संख्याएं लेनी है, तो यहाँ पर 2 की घात में 1, 2, 3, 4, यानी 2 की घात में 4 हो गया और 3 की घात में 1, 2, 3, 4, 3 की घात में भी 4 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ आपको मिला एक्स स्क्वायर बराबर 2 की घात 4, या इसे हम 2 की घात 2 का वर्ग लिख सकते हैं और 3 की घात 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी? 2 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग। यानी हमने यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह का वर्ग हमने समाप्त कर दिया, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x का जो मान मिला वो क्या हो गया? 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 9 चौका 36, यानी कि वह संख्या क्या होगी? 36 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 और 72 की मध्य समानुपाती संख्या क्या होगी? 36 होगी। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो विकल्प ए है वो बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो इस प्रकार है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे? ऑप्शंस हैं 20%, 25%, 15% और 30%। तो आइए इसका हल समझते हैं। बच्चों यहाँ प्रश्न में तीन चीज़ें हैं, मूल्य, खपत और खर्च। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है कि किसी वस्तु का मूल्य कुछ भी है और उसमें यदि हम उसका मूल्य 25% वृद्धि कर देते हैं तो खपत में कितनी कमी की जाए कि खर्च ना बदले। तो यदि हम मान लेते हैं कि हमारा मूल्य जो है 100 रुपये था उस वस्तु का मूल्य और उस वस्तु की खपत x थी, तो हमारे पास कुल खर्च कितना हो गया? 100 गुणे x, यानी कि 100x जो है खर्च हो गया। अब हमारा मूल्य बढ़ जा रहा है कितना प्रतिशत? 25%। तो 100 का जो 25% होगा वो 25 रुपये के बराबर होगा, यानी कि अब हमारा मूल्य कितना हो गया? 125। और खपत कितनी कम करनी है यह हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि अब जो है खपत एक्स वन हो गई, यानी खपत हमने चेंज कर दिया, तो खर्च हमारा जो हो जाएगा वो 125 गुणे एक्स वन हो जाएगा, यानी कि 125 एक्स वन हो जाएगा। बच्चों ये पहले का खर्च था और ये खर्च बाद वाला है और हमें खर्च को बराबर रखना है, यानी कि प्रश्न अनुसार क्या हो गया? 100x बराबर 125x1। और हमें x1 ज्ञात करना है कि x1 है क्या, तो x1 बराबर हो जाएगा 100x अपॉन 125। 25 से आप भाग दे दें, 25 चौका 100 और 25 125, यानी कि 4x अपॉन 5 हो गया x1। अब हम यहाँ पर अंतर ज्ञात कर लें कि x और x1 में कितने का अंतर है। तो x बड़ा है और x1 की वैल्यू है 4x अपॉन 5, एलसीएम ले लेंगे 5 हो जाएगा, 5x माइनस 4x यानी कि x अपॉन 5 का
डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो अंतर कितने प्रतिशत का है ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिशत डिफरेंस, प्रतिशत कमी जो आ गई वो कितनी आई, वो हो जाएगी कमी, यानी कि x बटे 5, और बटे होता है पूर्व खपत क्या थी हमारी x थी, और गुणे क्या करेंगे 100, तो ये हमारी कमी हो गई x बटे 5, यानी खपत में कितनी कमी हुई, x बटे 5 की कमी हुई, और पहले वाली खपत थी x और गुणे हमने 100 से कर दिया, तो यहाँ x और x कट गए, और 100 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, यानी कि 20% की कमी हमें करनी पड़ेगी, तो जो है हमारा खर्च बैलेंस रहेगा, यानी कि बराबर रहेगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसका उत्तर हुआ 20%। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, एक फौजी कैंप में 1200 आदमियों के लिए 20 दिनों की भोजन सामग्री है, 400 आदमी और आ जाने से सामग्री कितने दिन और चलेगी, तो आइए इसे समझते हैं। बच्चों इस प्रश्न में दिया गया था कि 1200 आदमी थे जिनके लिए 20 दिनों का पर्याप्त भोजन था, और 400 व्यक्ति और आ गए, तो व्यक्ति पहले थे 1200 और 400 और अधिक हो गए, कुल व्यक्ति कितने हो गए, 1600 व्यक्ति हो गए, और कितने दिन भोजन चलेगा ये हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं एक्स। बच्चों ये प्रश्न जो है ये समानुपात का प्रश्न है, और हमें यहाँ ये पहचानना है कि यहाँ कौन सा अनुपात है, यानी अनुलोम समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात। बच्चों आप देखेंगे कि जब भी हम व्यक्तियों की संख्या कम करेंगे तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि यदि व्यक्ति कम होंगे तो वही भोजन अधिक दिन चलेगा, और व्यक्ति अधिक होंगे तो वही भोजन कम दिनों चलेगा, यानी कि यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। तो तीर का निशान हम उल्टा लगाएंगे, सबसे पहले x की ओर हम नीचे का निशान लगाते हैं, और इसके बाद दूसरी ओर इसके जस्ट अपोजिट निशान लगा देंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1200 बटे 1600 बराबर हो जाएगा x बटे 20। तो इसे ही हल करके हमें x का मान मालूम चलेगा, तो यहाँ 00 कैंसिल विद 00, 4 से 4 तीन 12, 4 चौका 16, तो जो x की वैल्यू मिली वो मिली 3/4, और ये 20 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 4 × 20, और यह मिल गया 3 × 5, यानी कि 15 दिन। तो इस प्रकार से जो भोजन 20 दिन चलने वाला था अब वो कितने दिनों तक चलेगा, मात्र 15 दिनों तक चलेगा। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर जो हुआ वो 15 दिन हुआ, और विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी भरा है, और इसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाल दिया जाता है, दूसरी टंकी में पानी की गहराई होगी, तो गहराई क्या होगी, 4 ऑप्शंस हैं, 8 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर और 2 मीटर। तो बच्चों इस प्रश्न में जो आयताकार टंकी है वो एक घनाभ के आकार की होगी, जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई क्या है, 2 मीटर है, तो इसका जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा, यानी कि आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई 20, चौड़ाई 10 और गहराई क्या हो गई, 2। इसी तरीके से इस जब पानी को हमने दूसरे बर्तन में, दूसरी टंकी में डाल दिया, तो उस टंकी की लंबाई क्या हो गई, 10 हो गई, और चौड़ाई 5 हो गई, तो गहराई क्या होगी ये हमें पता करना है। बच्चों यहाँ गहराई क्या होगी हमें पता करना है, तो इस जगह पर हम x मान लेते हैं, और दोनों ही आयतन क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये आयतन बराबर क्यों होंगे, क्योंकि इसी टंकी के पानी को पलट करके दूसरी टंकी में डाला गया है, तो दोनों आयतन आपस में बराबर हैं, यानी कि 20 × 10 × 2 बराबर 10 × 5 × x। तो यहाँ जो x का मान होगा वो 20 × 10 × 2 और बटे 10 × 5 के बराबर होगा। इसे आप हल कर लें, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, और यहाँ को मिल गया 4 × 2 यानी कि 8। टंकी की जो गहराई थी वो हो जाएगी 8 मीटर। तो जो इसका सही उत्तर हुआ वो हुआ 8 मीटर। तो इस प्रकार से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो x का मान होगा
यहाँ आपको चित्र में एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी, और इसमें से एक कोण अज्ञात है एक्स, जिसका मान आपको ज्ञात करना है। विकल्प है 50 अंश, 60 अंश, 120 अंश और 70 अंश। तो आइए इसे समझते हैं। बच्चों, दिए गए प्रश्न का जो चित्र है वो इस प्रकार से है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एक बहिष्कोण कोण ए बी सी आपको प्राप्त है, जिसका बहिष्कोण क्या है 120 अंश है। तो यह कोण जो डी सी है, यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉइंट एम है, तो ये डी सी एम कोण जो बहिष्कोण बन रहा है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज में एक प्रमेय होता है, इसे मैं लिख देता हूँ। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण सुदूर अंतर कोण के बराबर होता है। बच्चों, यह एक प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज का, जिसके अनुसार यह जो बहिष्कोण है वो सुदूर अंतर कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण आपका एडीसी जो है वह भी 120 अंश के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें मिल गया एंगल ए डी सी बराबर 120 अंश। और ये जो एक्स अंश है ये हमें ज्ञात करना है, और ये जो रेखा ए एम है वो एक सरल रेखा है जिस पर ये दोनों कोण बने हुए हैं। तो यानी कि ये दोनों कोण मिलकर क्या बना रहे हैं, एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो रैखिक युग्म में दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश। वो क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस 120 अंश के बराबर होगा, यानी इसका मान क्या आ जाएगा 60 अंश के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो हुआ 60 अंश। तो इस तरीके से बच्चों इस प्रश्न का विकल्प बी सही हुआ। तो अगला जो प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। दो सीधी रेखा 2x प्लस 7y इक्वल टू 1 तथा 4x प्लस 5y इक्वल टू 11 के प्रतिच्छेदी बिंदु हैं। बच्चों, इस प्रश्न में दो समीकरण दिए गए हैं और ये रेखाओं के समीकरण हैं। इन रेखाओं की के जो है प्रतिच्छेदी बिंदु हमें ज्ञात करना है कि ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर आपस में काटेंगी। तो यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हल करेंगे और जो इसमें चर राशियाँ हैं वो एक्स और वाई, उनके मान हमें ज्ञात कर लेने हैं। तो हल करने की कई विधियां हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर विलोपन विधि से इसे हल करेंगे। तो ये दो समीकरण हैं, इसमें पहले समीकरण को हम समीकरण नंबर एक और इसे दो कर लेते हैं। हम एक्स के गुणांक को बराबर करेंगे, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक दो है और यहाँ चार है, हमें क्या करना होगा, समीकरण एक में दो से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण एक में सभी पक्षों में दो से गुणा करते हैं, तो दो गुना चार एक्स हो जाएगा और दो सतह 14 वाई हो जाएगा और बराबर 2 गुणे 1 2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं और समीकरण 2 इसके नीचे लिख लेते हैं और इन दोनों को आपस में घटा देते हैं। तो घटाने पर क्या होगा, हर पद के चिन्ह बदलेंगे नीचे वाले समीकरण के। तो यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस। 4x और 4x कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है। इसके बाद y में आप देख रहे हैं 14y में से 5y घटाएंगे तो 9y मिलेगा और यहाँ पर माइनस 11 और प्लस 2 यानी कि माइनस 9। तो इस प्रकार से y की वैल्यू हो गई माइनस 9 अपॉन 9 यानी कि माइनस 1। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस y के मान को समीकरण एक या दो में से किसी में भी रखना होगा। तो हम समीकरण एक में रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर 2x प्लस 7 इंटू वाई, वाई क्या है माइनस 1 बराबर 1, हल कर देंगे 2x 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7 इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 1 और माइनस 7 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 7 यानी कि 8 हो गया। 2x की वैल्यू क्या मिल गई 8 हो गई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 2 यानी 2 चौका 8। x का मान 4 हो गया तो हमारा जो बिंदु था
वह बिंदु उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स वाई यानी कि 4 और -1। तो इस तरीके से जो हमारा सही उत्तर हुआ वो हो गया 4 -1, यानी कि आपका विकल्प ए बिल्कुल सही हुआ। तो बच्चों अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, एक घनाकार मकान का आयतन x³ - y³ - 3xy गुणे कोष्टक में x - y घन इकाई है, तो मकान की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई होगी। तो बच्चों ये मकान जो है वो एक घनाकार आकृति का है, यानी घन का आयतन आपको दिया गया है और उसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो बराबर ही होगी। तो इस तरीके से हमें करना क्या होगा, हमें बच्चों इस आयतन को ध्यान से देखना होगा। यह आयतन जो आप व्यंजक के रूप में देख रहे हैं वह a³ - b³ - 3ab * a - b, यानी a - b² के रूप में है। तो इसका जो आयतन था वो हो गया x - y³, a³ = a³ - b³ - 3ab * a - b, तो उसी सरसमिका के रूप में ये है। तो यहाँ पर आयतन आपको मिल गया और यह आयतन एक घन का है। तो बच्चों जब घन का आयतन हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, भुजा गुणे भुजा, यानी कि हमें जो आयतन दिया गया है वह भुजा के क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें भुजा जो प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, वो x - y³ के घनमूल के बराबर होगी, यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये हो जाएगी x - y, यानी उस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही x - y के बराबर होगी। तो बच्चों इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो विकल्प ए में हुआ, यानी कि x - y। जो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, बिंदुओं 3-4 और 3-4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं 6-7, -8 और 8। तो आई से भी हल करके देखते हैं। प्रश्न में दो बिंदु दिए गए हैं 3-4 और 3-4, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने का जो एक सूत्र होता है वो होता है कर्णी में x₁ - x₂ का वर्ग + y₁ - y₂ का वर्ग। तो यहाँ हम पहले बिंदु को x₁ y₁ मान लेते हैं और दूसरे बिंदु को x₂ y₂ मान लेते हैं और इस सूत्र में मान रख करके हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। x₁ आपका है 3 - x₂ क्या हो गया 3, और इसका वर्ग करना है, प्लस y₁ क्या है -4 और y₂ क्या है -4, इसका वर्ग करना है। इस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं 3 - 3 0 हो जाएगा और -4 - 4 क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर। तो जो दूरी आई वो क्या आ गई, कर्णी में -8 का वर्ग, या फिर हम -8 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 64 हो जाएगा और 64 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, यानी दोनों के बीच की जो दूरी हो 8 मात्रक के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 8 मात्रक के बराबर होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बच्चों अगला प्रश्न इस प्रकार से है, एक व्यक्ति ने थैले में आलू और टमाटर रखे हैं, आलू संख्या में 20 और टमाटर 8 हैं, थैला फटा होने से रास्ते में एक नग आलू या टमाटर गिर गया, क्या प्रायिकता है कि टमाटर ही गिरा हो। तो बच्चों यह प्रश्न एक प्रायिकता का प्रश्न है और इसमें आलू की संख्या 20 दी गई है और टमाटर की संख्या 8 दी गई है। तो आइए इसे हल करके देखते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में थैले में जो आलू थे, आलू की संख्या 20 है और टमाटर की संख्या 8 है, तो कुल कितनी सब्जियां इसमें हो गई, ये हो गई 20 + 8, देखिए 28 सब्जियां हो गई। और जब वो थैला फटा हुआ है तो कोई एक सब्जी उसमें से गिर जाती है, अब वो टमाटर है या आलू ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये प्रायिकता ज्ञात करनी है कि क्या संभावना है जो सब्जी गिरी थी वो क्या है, एक टमाटर ही था। तो यहाँ पर घटना के अनुकूल जो प्रेक्षण होंगे वो 8 हो जाएंगे, यानी प्रायिकता अगर हम इस घटना की लेंगे तो हमें क्या मिलेगी 8/28, 28 हो जाएगी प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि जो कुल उसमें सब्जियां हैं कुल सब्जियों की संख्या 28।
तो यहाँ प्रायिकता क्या होगी, 8/28। इसे और सरल कर लेंगे तो 4 से ये कटेगा, 4 × 2 = 8 और 4 × 7 = 28। यानी कि पहले में से एक टमाटर गिरने की प्रायिकता क्या हो गई, 2/7 हो गई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो उत्तर हुआ वो 2/7 हुआ, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। बच्चों अगला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। यह एक सरलीकरण का प्रश्न है। 36/4 का 1/2 प्लस 3/4 गुणे 3/2 का हल है। तो चार ऑप्शंस हैं, 1/8, 19/8, 19 सही 1/8 या फिर कोई नहीं। तो आइए इसे हल करके देखते हैं। बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें बॉड मास का नियम जो है उसका पालन करना पड़ता है। तो बॉड मास का नियम में हम क्या करते हैं, कोष्ठक का भाग वो जो घ, यानी पहले कोष्ठक को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में कोष्ठक नहीं दिया गया है लेकिन का दिया गया है। तो का की जगह पर हमें क्या करना होता है, का के स्थान पर हम गुणे का चिन्ह लगाते हैं। तो पहले हम का को हल करेंगे। तो 36/4 का यानी गुणा हो गया, प्लस 3/4 गुणे 3/2, 2 से 4 को काट देंगे दो बार में, तो यहाँ आपको मिल गया 36/2 प्लस 3/4 गुणे 3/2। तो 36/2 से 18 बार में कट जाएगा, प्लस आपको मिला 3/4 गुणे 3/2। तो यहाँ हमने का को हल किया, उसके बाद भाग को हल किया, अब गुणा करेंगे। 18 प्लस अब इनका गुणा करेंगे तो अंश में अंश का गुणा होगा, 3 × 3 = 9 और 4 × 2 = 8। अब इसे और सरल कर लें, हमने यहाँ 1 लगा करके इसे भिन्न का रूप दे दिया और इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। 18 × 8 = 144 प्लस 9 जोड़ लें, 9 × 4 = 13, 5 = 1, 153/8। और इसे हमें हल करना है, ये आएगा 8 × 8, 8 × 9 = 72, 1/8, 19 सही 1/8। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो 19 सही 1/8 हुआ, जो कि आपका विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही होगा। बच्चों इस प्रकार से आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगी प्रश्न देखे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बच्चों इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें और निरंतर इन वीडियोस को देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।